How are you? So today we are going to discuss the next tense, that is perfect tense. In the last video we had studied continuous tense. We have very well studied. I have properly elaborated the meaning of tenses. So in this video we are going to discuss perfect tense. Perfect means जो काम हो चुका हो, जो काम हो गया है. ए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, तीन तरह के जो टेंस ने उन्होंने पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा इस टेंस के. याद रखने वाली गल यह है कि जिथे भी परफेक्ट आएगा उत्थे थर्ड फॉर्म यूज होगी. एक बार दोबारा फिर सुनो ध्यान देना कि जिथे भी परफेक्ट टेंस होएगा, जिथे परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं उत्थे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जिन्होंने पास्ट पार्टिसिपल कहने वो यूज करा. फॉर्म बारे तुम्हें पता ही है कि जिमें गो फस्ट फॉर्म है, प्रेजेंट, वेंट पास्ट फॉर्म है, गोन पास्ट पार्टिसिपल है. सो गो वेंट गोन जी गोन वाली है वो फॉर्म इतने यूज होगी, जिमें राइट, रोट, रिटन, लाफ, लाफ, लाफ. सो जी लास्ट फॉर्म है वो इतने यूज होगी पास्ट पार्टिसिपल, जो आप थर्ड फॉर्म के नाम जानते हैं. हुण पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन्होंने तिना की फर्क है. पहली एक खास अवेलेबल की गल यह है कि थर्ड फॉर्म यूज की देना. अगला फर्क यह है कि जेकर आप पास्ट परफेक्ट की गल कर रहे हैं तो उसे हैड लाओगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म. जेकर आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म. हुण हैज हैव बारे आप अगे भी काफ़ी वीडियोज डिस्कस किया कि जिथे सिंगुलर होएगा उथे हैज लगेगा, जिथे प्लूरल होएगा उथे हैव लगेगा. जिस तरह ही, शी, इट या फिर किसी पर्टिकुलर नाम के नाम, किसी नाम के नाम एक सिंगुलर के नाम आप हैज लाने. आई, वी, यू, दे इन्हां दे नाल आप हैव लाने, हैव, हैज प्लस थर्ड फॉर्म. इस तरह फ्यूचर चुका होगा जिसे आ गया उत्थे आप जे गाए तो बिल लगेगा, तो उस तो बाद अगे हैव लगेगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म. इतने विल हैज नहीं लगता, विल हैव लगता. सो जेकर पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जेकर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जेकर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म. सो इस सेंटेंस की जी मेन निशानी है आप कहें कि वो जा चुका होगा, वो जा चुका है, वो जा चुका सी, जा वो चले गया है, वो चले गया होना है, जा वो चले गया होगा, जा वो चले गया से. सो ये गया सी, आ सी, ए सन वगैरह वगैरह, आ है, ए हन, आ होगा, ए होगा, ये टेंस कला चुका नहीं लगता, ये भी ना लगते हैं. सो सबू वैसे भी अंदाजा होने लग पा है प्रैक्टिस के नाल कि जो ये पास्ट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, कि फ्यूचर परफेक्ट है. सो ये थोड़ा जहाँ ख्याल रखते हुए इस चीज़ को बनाने की कोशिश करनी है. सो दोबारा करा फिर कर लो कि पास्ट परफेक्ट के हैड प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट के हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट के विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म. बाकी सेंटेंसेस की जी बनता रहे वो ध्यान रखिए. सब तो पहला अंग्रेजी से आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, जिवें आए, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, शाम, सीता. उस तो बाद आप हैल्पिंग वर्ब जिन्हों को हमने पढ़िया है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, पहला सब्जेक्ट फिर हैल्पिंग वर्ब, उस तो बाद वर्ब आएगा. वर्ब गोन, वर्क, रिटन, सैट, संग, ये वगैरह वगैरह. तो उस तो बाद अगे ऑब्जेक्ट आएगा कि हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, सब्जेक्ट मैं, उस तो बाद की कर रहा, पढ़ रहा. सो ये जो है वो परफेक्ट है. सो हम आप थोड़ा जहाँ इसमें डिस्कस कर लेते हैं. इस तरह कहते हैं कि मैं जा चुका सी, मैं आए, चुका सी, हैड, हूँ हैड में कितनी फॉर्म आएगी, गो नहीं, गोन, आई हैड गोन. मैं सीख चुका सी, आई हैड लर्न. मैं आ चुका सी, आई हैड कम.
मैं क्या पी चुका सी आई हैड टेकन टे मैं तानू वेख लिया सी इनके पी चुका सी आई हैड सीन यू मैं ये फिल्म वेख ली सी आई हैड वॉच दिस फिल्म आई हैड सीन दिस फिल्म मैं अपने भरा नाल दिल्ली गया सी जां दिल्ली जा चुका सी आई हैड गोन टू दिल्ली विद माई ब्रदर सो ये चुका सी जा गया अगे चुका है मैं चले गया हाँ आई हैव गोन मैं आ गया हाँ आई हैव कम मैं तेरी मदद की है आई हैव हेल्प यू उसने मेरी मदद की है ही हैज हेल्प मी असी हम सोच लिया है वी हैव थॉट मैं तुहानू पछाण लिया है आई हैव रिकॉग्नाइज यू मैं ये मोबाइल खरीद लिया है आई हैव बॉट दिस मोबाइल आई हैव परचेज दिस मोबाइल सो ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया उस तो बाद फ्यूचर परफेक्ट की गल करते हैं विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म मैं जा चुका हाँ चुका होवांगा आई विल हैव गोन मैं आ चुका होवांगा आई विल हैव कम मैं थोड़ी मदद की होगी आई विल हैव हेल्प यू सो ये चीज़ा जिहड़ियां ने वह प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट ते फ्यूचर परफेक्ट नूं दसदियां इस तो अगर तुम जी प्रैक्टिस करनी जिनी बार तुम प्रैक्टिस करोगे उन्ना ही जो तेरे वास्ते फायदेमंद होगा तुम उस चीज़ को उन्ना समझ सकोगे हम थोड़ा जहा आप इस चीज़ डिस्कस करते हैं पहला आप पास्ट परफेक्ट वाले जाने आई हैड हेल्प्ड यू आई हैड हेल्प्ड माई ब्रदर आई हैड पास्ड दिस क्लास आई हैड टेकन एडमिशन इन कॉलेज My father had deposited my fees. My brother had acted in a film. My sister had gone to Amritsar with my father. So, उस तो बात उसी जिन्ने मर्जी जिन्ने बात सेंटेंस लंबे बना सकते हैं और वो खोख रहे ऑब्जेक्ट्स ला के मेन सेंटेंस है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ते प्लस वर्ब ये तीन एक सीरीज चाहिए उस तो बाद सारे जो बाकी लंबा सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट है वो तुसी अगे पिछे कर बना सकते हो सो जिस तरह आप कहें कि माई सिस्टर हैड गोन टू अमृतसर विद माई फादर हूँ इस तो अगे माई फादर हैड माई सिस्टर हैड गोन टू अमृतसर विद माई फादर टू बाय सम क्लोथ इस तो अगर बुक बना सकते हैं माई सिस्टर हैड गोन टू अमृतसर विद माई फादर टू बाय सम क्लोथ फॉर माई ब्रदर इस तो अगर बना सकते हैं माई सिस्टर हैड गोन टू अमृतसर विद माई फादर टू बाय सम क्लोथ फॉर माई ब्रदर हु इज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ये और लंबा हो गया इस तो बात बना सकते हो यही सेंटेंस तो माई सिस्टर हैड गोन टू अमृतसर विद माई फादर टू बाय सम क्लोथ्स फॉर माई ब्रदर हु इज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी एंड डूइंग बैचलर डिग्री जिन्हें मर्जी लगा पा लो पर जो मेन जो सेंटेंस का जो मेन पार्ट है वह है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के वर्ब उस बाद प्रेडिकेट बहुत हो जिन्ना मर्जी लगा लो सो इस गल में ख्याल च रख के ये जोड़ते जाए मेन गलती जी है वो साड़ी है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के वर्ब से वो यूज करनी इन्ना ख्याल रखना इसी वास्ते मैं अगर पुराने वीडियो में भी यही गल कही हुई है कि प्रैक्टिस करते रहा करो ये नाल जोड़ते रहा करो जिवें तुसीं जोड़ना शुरू करते हो गए तो ये ना आप चीज़ लैके उसमें स्टिचिंग करते रहेंगे तो चीज़ वड्डी होती जाती है सो ये भाषा इस तरह बनती है तुसीं चाहे छोटे सेंटेंसेस यूज कर लो चाहे वड्डे सेंटेंसेस यूज करो ये इट इज अप टू यू तुहाडी अपनी मर्जी है पर तुसीं बनाउणे सीखने हैं बनाउणे किवें हैं वो तुहानू उस चीज़ की जिहड़ी है ना वो समझ आ जाणी चाहिए हूँ आप अगे हो करिए आई हैड गिवन द एग्जाम आई हैड बाउट अ न्यू कार फ्रॉम द शोरूम फॉर माई ब्रदर हु इज वर्किंग इन अ मल्टी नेशनल कंपनी माई मदर हैड वर्कड इन अ स्कूल My sister had come
from America yesterday, आज किसी मैं उस नाल गया सी, I had gone with him, मैं उस नाल दिल्ली गया सी, I had gone to Delhi with him, मैं उस नाल कार ते दिल्ली गया सी, I had gone to Delhi with him by car, या I had gone to Delhi by car with him, तो ये कि ऐसी बोली गलत समझ आ गई। सो ये चीज़ जी है तुसी ये तरह प्रैक्टिस बनती है, कल रूल्स आ जाने जो कल शब्द वर्ड्स आ जाने वोकैबुलरी का मान काफ़ी नहीं था, इससे नाल नाल टेक्स्ट है। इस तरह को एक बड़ी सोहनी एग्जाम्पल है कि तुहाडे कोल मोती भी पए ने, तुहाडे कोल धागा भी है, तुहाडे कोल सुई भी है, हुण ये तुहाडे ते डिपेंड करता है कि किहड़ा मोती, चिट्टे मोती आ, काले मोती ने, लाल मोती ने, हरे मोती ने, कोई चिट्टे मोती इकट्ठे कर देंगे, कोई लाल इकट्ठे कर देंगे, कोई दूजे कर देंगे, कोई एक चिट्टा एक लाल एक पीला एक नीला बना के वक्को वक्री बना होंगे शब्द वर्ड्स दैट इज जस्ट लाइक पेयर्स मोतियां लगे हैं। ग्रामर जी है वो धागे वर्गी है, तुम वो परोवोगे वो राही। सो ग्रामर का होना इस वास्ते लाजमी है क्योंकि ये सानू तरीका की है कितने कितने कि चीज़ लानी है, कितने चिट्टा पाना है, कितने लाल पाना है, कितने नीला पाना है। सो शब्दों का प्रिंसिपल क्लास कि है, सुअर्टन क्लास कि है, ये इन्नी समझ सूँ आनी चाहिए, ये वीडियो देव कि उस चीज़ समझ सको। पर मुख की गल जी मैं हाले हम समझा चुका हाँ कि सबजैक्ट हेल्पिंग वर्ब के वर्ब एक इकट्ठे आते हैं, उस तो बाद अपने हिसाब में उसको जोड़ सकते हो। मैं कल आया, ये सेंटेंस सही नहीं है, मैं कल आया सी ये सही बनेगा क्योंकि अगर मैं कल आया वो इंडेफिनेट है, तो इंडेफिनेट आप है या सी नहीं लगे उसे नाले बोलेगा सेंटेंस क्योंकि वो इंडेफिनेट है। मैं कल आया सी यस्टरडे आई हैड कम, मैं कल तुहानू मिलन आया सी यस्टरडे आई हैड कम टू सी यू टू मीट यू, मैं कल उचेचा तुहानू मिलन आया सी यस्टरडे आई हैड कम स्पैशली टू मीट यू, बाकी गल तुसी नाल जोड़ता। मैं कल उचेचा तुहानू अपने दोस्त नाल मिलन आया सी यस्टरडे आई हैड कम स्पैशली विद माई फ्रेंड टू मीट यू, यस्टरडे आई हैड कम टू मीट यू स्पैशली विद माई फ्रेंड। अगर विषय होगा गलत की समझ आ गई तो की कहना चाहते हो। सो ये सेंटेंसेस इस तरीके बनाने अगे होर चल रहे। मैं मार शोरूम तो एक नवी कार खरीदी सी, आई हैड परचेज अ न्यू कार फ्रॉम द शोरूम। ये कार मेरे पिताजी ने भी खरीदी, यहोजी कार मेरे पिताजी ने खरीदी सी, सच कार व माई फादर हैड परचेज कार, माई फादर हैड परचेज द कार लाइक दिस। सो ये इस तरह बनते हैं। सो ये आ गया पास्ट परफेक्ट, अगे आ गया प्रेजेंट परफेक्ट। मैं हुणे आया हाँ, आई हैव जस्ट कम। मैं हुणे स्कूलों आया हाँ, आई हैव जस्ट कम फ्रॉम स्कूल। मैं हुणे स्कूलों बस से आया हाँ, आई हैव जस्ट कम फ्रॉम स्कूल बाय बस। असी हुणे उसनू वेख्या है, वी हैव जस्ट सीन हिम, वी हैव जस्ट सीन हिम। उसने मैनू कुछ पूछा है, उसने मैनू कुछ पूछा है, He has asked me something. मैं तुहानू दस्या है, I have told you. मैं तुहानू दस्या है कि मैं बहुत ईमानदार बंदा हाँ, I have told you that I am very honest man. मैं सोचा है कि मैं तुहाडी मदद करां, I have thought that I should help you. मैं ये विचार कर लिया है कि मैं हूँ इतने नहीं रहूँगा, आई हैव मेड माई माइंड दैट आई विल नॉट स्टे हेयर। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। इस तो बाद फ्यूचर की गल करते आप, वो चले गया होगा ही विल हैव गोन, वो स्कूल चलेगा होगा ही विल हैव गोन टू स्कूल, वो हूँ तक स्कूल चलेगा होगा ही विल हैव गोन टू स्कूल बाय नाउ, वो 9 बजे तक स्कूल चलेगा होगा He will have gone to school by 9. So, ये फिर वही गल आ गई कि सेंटेंस तुम्हें गन्ना करना है। असी खाना खा लिया है, we have taken food. असी 2 घंटे पहला खाना खा लिया है, we have taken food 2 hours before.
असी उसने खाना खा लिया होगा, ही विल हैव टेकन फूड, उसने मैनू पछाण लिया होगा, ही विल हैव रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मैनू समझाया होगा, ही विल हैव मेड मी अंडरस्टैंड, उसने जरूर उसकी मदद की होगी, ही विल हैव श्योरली हैव चेंज्ड, असी पछताया होगा, वी विल हैव रिपेंटेड, उसने इस बारे गल की होगी, ही विल हैव टॉक्ड अबाउट इट। सो ए विल हैव दे नाल आपां जिहड़ा ओ इस नूं परफेक्ट टेंस बनाते हैं। इस तों अगे हुण आपां जिहड़े नैगेटिव जां इहदे इंटरोगेटिव सुणाईए तां ओह वी बाकी सेंटेंसिस दे वांग ही बनते ने, जिस तरह नॉट ला के जां फिर हैव वर्ब बाहर कढ के, जिस तरह आपां बनाईए कि ही हैड गोन टू अमृतसर, तो डायरेक्ट बनेगा ही हैड नॉट गोन टू अमृतसर, इंटरोगेटिव बनेगा हैड ही नॉट गोन टू अमृतसर, इसी तरह आई हैव गोन टू अमृतसर, आई हैव नॉट गोन टू अमृतसर, हैव आई गोन टू अमृतसर, ही विल हैव गोन टू अमृतसर, ही विल नॉट हैव, इन्हों दो के विचकार नॉट आएगा, विल ते हैव के विचकार नॉट आएगा, ही विल नॉट हैव गोन टू अमृतसर। फिर उस तो बाद इकला विल ही अपना बाहर कढ़ना है इंटरोगेटिव वास्ते, विल ही हैज गोन टू अमृतसर, विल ही हैव गोन टू अमृतसर, विल ही हैव गोन टू अमृतसर। सो ये जिहड़े है तुहाडे बन गए अपने इच गल्ला हैज यूज करते हैं, हैज नहीं करते पूरी। सो ये अपने इंटरोगेटिव्स ने, बाकी डिस्क्रिप्शन के प्रैक्टिस दी होगी, बाकी तुसी होर बुक्स तो प्रैक्टिस करोगे। बेसिकली सानू इस चीज समझनी चाहिए है कि परफेक्ट नहीं हो चुका जिहड़ा काम हो गया होवे, जां ओह फ्यूचर च हो गया होवे, जां ओह प्रेजेंट च होया होवे, जां ओह पास्ट च होया होवे। इहदे च असीं थर्ड फॉर्म लाने आ, इहदे च आपां जेकर पास्ट चुका सी ते हैड वाला थर्ड फॉर्म लाने आ, चुका है ते हैज जां हैड वाला थर्ड फॉर्म लाने आ, चुका होवेगा ते विल हैव वाला थर्ड फॉर्म लाने आ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।